नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर। मैंने अपनी पिछली जो आपकी वीडियोस में बात की थी कि स्कूल कब खुलेंगे, कब खुल सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को, वो सभी पे हमने बात की थी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा जिन्होंने इतना प्यार दिया मेरी लास्ट वीडियोस पे, इतने अच्छे अच्छे मुझे अप्रिसिएशन के कॉमेंट्स मिले कि आप ही एक हो जो रियल न्यूज़ बताते हो। बेटा मैं फैक्ट पे बात करता हूँ और सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई बताना कोई गलत बात नहीं है। मैं उन चैनलों में से नहीं हूँ जो फेक अपना थंबनेल रखते हैं, फेक न्यूज़ बताते हैं कि अगस्त से खुल जाएंगे, सितंबर से खुल जाएंगे। मैंने पहले भी बोला था अगस्त से स्कूल नहीं खुले, वही हुआ। और अगर आपको वो मेरी पहले की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट करें और मेरी लास्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर इस चैनल में आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। अभी आज अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप थोड़ा सा और वीडियो बनाएं कि ऑनलाइन क्लासेस को लेके या फिर स्कूल खोलने को लेके कि गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचे, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि मीडिया में, न्यूज़ में कहीं भी एजुकेशन को लेके तो बात होती नहीं है। हमने तो बस बचपन से सुना ही था कि एजुकेशन सबसे ऊपर होती है, शिक्षा जो है सबसे ऊपर होती है, लेकिन कोई बात नहीं हो रही किसी मीडिया में, किसी न्यूज़ में कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई मीडिया डिबेट नहीं करवा रहा कि क्या क्या बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या ऑनलाइन क्लासेस, खाली एक ऑनलाइन क्लासेस का वो कर दिया कि चलो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हो रही है पढ़ाई। अब मैं आपको एक जरा डेटा बताता हूँ, मैं कोई अपनी फंड नहीं मार रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ सारी चीज़ें बताता हूँ। अब देखो ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही है इनकी और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले देखो आप ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, ये रिपोर्ट है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की, अबाउट 56% ऑफ चिल्ड्रन हैव नो एक्सेस टू स्मार्टफोन। लगभग 56% चिल्ड्रन तो ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है। अब भैया आप जूम पे लोगे या गूगल मीट पे लोगे, कहीं ना कहीं तो लाइव क्लास ले ही रहे होगे स्कूल में, है ना, तो स्मार्टफोन तो उसके लिए चाहिए ही चाहिए। स्मार्टफोन ही नहीं है आधे से ज़्यादा बच्चों के पास, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है, आप चाहो तो गूगल करके भी चेक कर सकते हो। और क्या कह रहा है, 66% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज, दो तिहाई हिस्सा तो गांव में रहता है। 66% जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। इंटरनेट डेंसिटी कितनी होती है गांव में, 25.3 की है, एक चौथाई, और अर्बन एरिया जो हम शहर में रहते हैं जो उनकी होती है जबकि 97.9। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आधे से ज़्यादा गांव में रह रहे हैं, आधे से ज़्यादा पे फ़ोन नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही हैं? और जिनके पास फ़ोन है भी तो क्या उनकी क्लासेस अच्छी चल रही है, आप मुझे बताओ कमेंट करके। मेरे को तो कितने बच्चों ने कमेंट किया, सब ने यही कहा है कि कुछ नहीं चल रही, कुछ समझ नहीं आता। और अगर कोई नया देख रहा है मेरी ये वीडियो तो आप बताओ मुझे कितनी अच्छी चल रही है क्लासेस। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना का खतरा चला जाएगा, लेकिन ये भी तो देखो, या तो प्रॉब्लम सोल्व करो ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो सुन नहीं रही, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई आप देखो सारा दिन कुछ ना कुछ राफेल चलेगा या चीन चलेगा, बट इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। एजुकेशन पे भी तो बात हो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को लेके, टीचरों की कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, टीचरों को खुद को प्रॉब्लम्स आ रही है इस चीज़ में। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कोई मेडिकल का बच्चा है, जो डॉक्टर लाइन का बच्चा है, अब उसको प्रैक्टिकल के जरिए समझाओगे ना सर्जरी कैसे करते हैं कि ऑनलाइन क्लास में बता दोगे, बिना प्रैक्टिकल के सीखेगा कैसे वो? ऐसी जब टीचर सामने नहीं होगा तो डायरेक्ट जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, क्या समझ आएगा उसमें? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि या तो स्कूल खुल जाए, अब देखो अगस्त तक तो बंद हो ही गए हैं, अब सितंबर में भी वैसे उम्मीद है कि बंद ही रहेंगे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला है, लेकिन हम एक ये प्रयास जरूर कर सकते हैं कि थोड़ी आवाज़ उठा के अगर कोई मीडिया में हमारी ये बात चल जाए तो कम से कम ये तो हो, क्या पता सितंबर में ही खोलने पड़ जाए। अब आप में से लोग कहेंगे कि सितंबर में आप चाह रहे हैं स्कूल खुल जाए कि कोरोना हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब क्लास के खुले, कम से कम एटलीस्ट बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स की तो खोल दो, मैं सोल्यूशन भी बता रहा हूँ, मैं खाली ये नहीं बोल रहा हूँ खोल दो, कम से कम बड़ी क्लास का तो खोल दो, बोर्ड का तो खोलो, बच्चों का रहन दो चलो आप। अब आप कहोगे बड़ों को खतरा नहीं है, बोलो अब कमेंट में यही लिखोगे बड़ों को भी खतरा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ, जितने बड़े बच्चे हैं 11th 12th का, अगर कोई बच्चा ये मेरी वीडियो देख रहा है मुझे बताओ जरा, एक बार भी बाहर नहीं गए हो या आपके घर वाले कहीं बाहर नहीं जाते? अरे भैया क्या तुम कभी, जब से लॉकडाउन हुआ है 4-5 महीने हो गए, कभी बाहर ही नहीं गए हो घूमने, या कभी दोस्त से नहीं मिले हो, या कभी अपनी गली में भी नहीं गए, या किसी से बात नहीं की?
जब अपने दोस्तों से मिलते हो तब तो मेरे को पक्का पता है मास्क भी नहीं लगाते होगे, क्योंकि अपने दोस्त है, इनसे थोड़ी होगा कोरोना, तो वहां नहीं है क्या खतरा? बल्कि स्कूल में तो मैं तो कहता हूं भले आप दो चाहे तीन शिफ्ट में बुलाओ, ठीक है वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग करना मुश्किल है, लेकिन क्या वैसे भी तो बाहर जा ही रहे हैं? कम से कम 11, 12, 9, 10 ये जो बड़े बच्चे हैं इनको तो बुला सकते हैं बोर्ड वाले, ठीक है वहां भी रिस्क है। और अगर आपको इतना ही लगता है कि नहीं खोलने इस साल, तो ठीक है क्यों झांसा दे रहे हैं कि या फिर बार बार धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं? सीधे बोल दो जीरो ईयर है, डिक्लेयर कर दो कि जीरो ईयर है, ठीक हो जाएगा, हम मान लेंगे, ठीक है बाद अगले साल स्कूल खुलेंगे, एक साल का गैप मान लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो ज़्यादा सही है फिर इससे अच्छा तो। क्योंकि अगर पूरे साल ऑनलाइन क्लासेस चली और बाद में बोर्ड के पेपर हुए तब कितनी प्रॉब्लम आएगी? पढ़ा वड़ा तो कुछ है नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ ऑनलाइन समस्याओं का या तो समाधान हो, या स्कूल खुल जाए, या फिर जीरो ईयर। कम से कम गवर्नमेंट तक ये बात तो पहुंचाओ कि इन तीनों चीज़ों में से क्या चाहते हैं, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर कोई नया देख रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फैक्ट वाली बातें होती है, फेक चैनल यहाँ कुछ नहीं है, मैं खुद ही चलाता हूँ चैनल, खुद ही कॉमेंट पढ़ता हूँ सारे और रिप्लाई भी करता हूँ। आप क्या पिछली वीडियोज़ पर जितने भी कॉमेंट देखो लगभग हर पर रिप्लाई मिलेगा आपको। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।